हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ट्यूब स्पोर्ट्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेयर यूडिन वोल्बेस वर्सेज डुसेलडॉर्फ ब्लैक कैप्स के बीच। जो फ्रेंड्स आपको T10 का मैच होगा, डेट आज ही 22 मई को आपको मैच होगा स्टार्ट फ्रेंड्स दोपहर के 12:30 में। इस मैच का आपको फ्रेंड्स फुल प्रिपरेशन देंगे, प्लेइंग 11 देंगे, बैटिंग ऑर्डर देंगे, बताएंगे आपको पिच रिपोर्ट, बताएंगे आपको अंतिम में ड्रीम 11 पर टीम बना के आपको अपने टीम में किस प्लेयर को पिक करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैच की बात करें तो बेयर यूडिन वोल्बेस वर्सेज डुसेलडॉर्फ ब्लैक कैप्स के बीच जो फ्रेंड्स आपको T10 का मैच होगा, डेट आज ही 22 मई को आपको मैच होगा स्टार्ट फ्रेंड्स दोपहर के 12:30 में। वेन्यू की बात करें तो फ्रेंड्स बेयर यूडिन क्रिकेट ग्राउंड क्री फील्ड। पिच रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए न्यूट्रल विकेट है, मोस्टली हेल्प बॉलर। देखिए फ्रेंड्स आपको इस पिच पे दोनों टीम के फ्रेंड्स विकेट गिरते हैं। फ्रेंड्स जो आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे उसका भी इस पिच पे विकेट गिरेगा, फिर आपको सेकेंड इनिंग में जो टीम चेस करेगी उसका भी विकेट गिरेगा। यदि फ्रेंड्स हम अपने टीम में दोनों टीम के ले लेंगे बेस्ट बॉलर को जो आपको दो ओवर बॉलिंग करता हो, फिर फ्रेंड्स लेंगे हम अपने टीम में दोनों टीम के ओपनर बैट्समैन को, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो ओपन बैटिंग करेंगे T10 मैच में उसी के पास है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रन मारने का। फ्रेंड्स फिर लेंगे हम अपने टीम में दोनों टीम के ऑलराउंडर को और फ्रेंड्स इस सब को मिलाकर एक अच्छे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फ्रेंड्स फुल पावरफुल टीम बनाएंगे। आप भी फ्रेंड्स इसी तरीका से फुल पावरफुल टीम जरूर बनाइएगा। यदि फ्रेंड्स आपको फुल टीम चाहिए तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। आपको टॉस होने के बाद फुल टीम टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स बेयर यूडिन वोल्बेस की प्लेइंग 11 की बात करें तो फ्रेंड्स आपको ओपन कर सकते हैं अभिनव रावल, शमिल नियास, उमर सरदार, उस्मान सरदार, हैडी राजा, हुमयुन बूट, जैन आलम, अब्दुल हसीब, राजभूषण, हमदर्द असाफ, अब्दुल रहमान शेख। अगर फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो फ्रेंड्स आप टीम में पिक कीजिए अभिनव रावल को, फिर फ्रेंड्स आप लीजिए अब्दुल रहमान शेख को, उमर सरदार को, उस्मान सरदार को और फिर आप नीचे लीजिए अब्दुल हसीब को। फ्रेंड्स इतना प्लेयर को आप अपने टीम में जरूर पिक कीजिएगा। फ्रेंड्स पांचों प्लेयर आपको एक अच्छे प्लेयर है। बात करें फ्रेंड्स डुसेलडॉर्फ ब्लैक कैप्स की प्लेइंग 11 की तो फ्रेंड्स आपको ओपन कर सकते हैं जमशेद खान, काशिफ साहेब, हरमन सिंह, जतिन मैसीवाल, सुसुडिप्रो रे, नीरज पटेल, निलय पटेल, वेंकट गणेशन, ओसवानी अहमद, आदित्य राव, बेंजामिन दास। अगर फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो आप लीजिए जमशेद खान को जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, फिर आप लीजिए काशिफ साहब को आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, फिर आप लीजिए हरमन सिंह को जो सिर्फ आपको बैटिंग करेंगे, फ्रेंड्स फिर आप लीजिए बेंजामिन दास को और आदित्य राव को। फ्रेंड्स इतना प्लेयर को आप अपने टीम में जरूर पिक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आप लोगों को ड्रीम 11 पर टीम बना के बताते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हम अपने ड्रीम 11 टीम पे। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स अभी हम लेंगे आर श्रीनिवास को। यदि फ्रेंड्स आर श्रीनिवास खेलेंगे तो आर श्रीनिवास को लीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप लीजिएगा एन पटेल को। फ्रेंड्स एन पटेल भी एक अच्छे प्लेयर है, यदि खेलेंगे तो फ्रेंड्स हम अपने टीम में जरूर पिक करेंगे। बट फ्रेंड्स अभी हम ले लेते हैं श्रीनिवास को, बाद में होगा जब फुल टीम बनाएंगे उस टाइम खेलेंगे एन पटेल तो टीम में जरूर पिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी अपने टीम में आप भी ले सकते हैं आर श्रीनिवास को, आपके लिए अच्छे च्वाइस है।
बात करें फ्रेंड्स बैटिंग सेक्शन की, तो देखिए फ्रेंड्स आज हम अपनी टीम में तीन बैट्समैन को पिक किए हैं। ए रायल को, जो फ्रेंड्स आपको ओपन बैटिंग करेंगे और फ्रेंड्स एक अच्छे बैटर है, अपनी टीम में आप जरूर पिक कर सकते हैं। फिर लीजिए फ्रेंड्स आप जे खान को, जो फ्रेंड्स आपको बैटिंग भी कर सकते हैं प्लस आपको बॉलिंग भी कर सकते हैं, अपनी टीम में जरूर कीजिए पिक कीजिएगा, पार्ट टाइम आपको बॉलिंग कर सकते हैं। फिर लीजिए आप एच जीत सिंह को, जो आपको बैटिंग करेंगे थ्री डाउन और आप अपनी टीम में जरूर पिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स नीचे कोई खास ऑप्शन नहीं है, तो फ्रेंड्स अभी अपने टीम में आप तीनों प्लेयर को जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए तीनों प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं। बात करें फ्रेंड्स ऑलराउंडर सेक्शन की, देखिए फ्रेंड्स आज अपनी टीम में चार ऑलराउंडर को पिक किया है, जो आपको बैटिंग भी करेंगे प्लस आपको बॉलिंग भी करेंगे। फ्रेंड्स आप भी पिक कर सकते हैं भी गिलनरसन को, जो आपको इसका फ्रेंड्स बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, कभी बैटिंग करते हैं थ्री डाउन कभी फाइव डाउन, बट फ्रेंड्स यदि बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो आपको रन बना के जरूर देंगे और आपको दो ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, अपने टीम में आप जरूर ले सकते हैं। फ्रेंड्स फिर लीजिए के साहब को, जो आपको थ्री डाउन बैटिंग भी कर सकते हैं प्लस दो ओवर बॉलिंग, अपने टीम में आप जरूर पिक कीजिएगा। फ्रेंड्स फिर नीचे हम लेंगे ओ सरदार को, ये भी फ्रेंड्स आपको बैटिंग करेंगे या तो ओपन या थ्री डाउन प्लस दो ओवर बॉलिंग करेंगे, टीम में जरूर पिक कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स आप लीजिए ए हसीब को, फ्रेंड्स ये भी आपको बैटिंग करेंगे थ्री डाउन नहीं तो फोर डाउन प्लस आपको दो ओवर बॉलिंग भी करेंगे। फ्रेंड्स इसलिए हम आज अपने टीम में चारों प्लेयर को पिक कर लिया है, फ्रेंड्स आप भी पिक कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस है आज चारों प्लेयर। बात करें फ्रेंड्स बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए फ्रेंड्स आज अपने टीम में तीन बॉलर को पिक किए हैं। फ्रेंड्स होगा तो टॉस होने के बाद हो सकता है एक बॉलर और को भी ले सकते हैं, एम रायल को, ये भी अच्छे प्लेयर है। फ्रेंड्स अभी आप लीजिए एन शर्मा को, आपको दो ओवर बॉलिंग करेंगे, आप अपनी टीम में जरूर पिक कीजिए। फिर आप लीजिए ए उला को, ये भी आपको दो ओवर बॉलिंग करेंगे, आप अपनी टीम में जरूर पिक कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स आप लीजिए आर भूषण को, फ्रेंड्स एक अच्छे बॉलर है, आपको दो ओवर बॉलिंग करेंगे डेथ ओवर में, टीम में जरूर पिक कीजिएगा, आपको इजीली एक या दो विकेट निकाल के जरूर दे देगा। तो फ्रेंड्स अभी अपने टीम में आप तीनों प्लेयर को ले सकते हैं। कैप्टेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स यदि आप एसएमओ लीग और हेड टू हेड खेलते हैं तो फ्रेंड्स आज आप कैप्टन दीजिए जे खान को। देखिए फ्रेंड्स आपको बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, फ्रेंड्स इसलिए हम टीम में दिए हैं आज कैप्टन। फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, दे सकते हैं कैप्टन ए हसीब को भी, ये भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है, और आप दे सकते हैं वाइस कैप्टन जे खान को। फ्रेंड्स आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स देखिए जे खान आपको ओपन बैटिंग करते हैं और ए हसीब आपको बैटिंग करेंगे थ्री डाउन। फ्रेंड्स अभी तो हम टीम में दिए हैं कैप्टन ए हसीब को और देंगे वॉइस कैप्टन जे खान को, और फ्रेंड्स जब फुल टीम बनाएंगे उस टाइम फ्रेंड्स होगा तो हम अपने टीम में कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन को रिवर्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको भी जब फुल टीम दूंगा उस टाइम आप भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, आपको टॉस के बाद फुल टीम टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर भी नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो मिलते रहता है, तो फ्रेंड्स आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आप जीएल खेलते हैं ग्रैंड लीग, तो फ्रेंड्स उसमें आप दे सकते हैं कैप्टन ए रायल को, जो आपको ओपन बैटिंग करेंगे। फिर आप दे सकते हैं कैप्टन एच जीत सिंह को, आपको बैटिंग करेंगे थ्री डाउन। फ्रेंड्स फिर आप दीजिए कैप्टन जे खान को, जो आपको ओपन बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग भी कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप दीजिए कैप्टन के साहब को और सरदार को। फ्रेंड्स इतना प्लेयर को आपके लिए दीजिए आप कैप्टन अपने ग्रैंड लीग की टीम में, कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन। अभी फ्रेंड्स हम स्मॉल लीग की टीम के लिए कैप्टन देंगे ए साहब को और देंगे वॉइस कैप्टन जे खान को। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी टीम, अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी होता चेंजेस तो फ्रेंड्स आप लोगों को फुल टीम बना के दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर फुल टीम पोस्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।